सभी सब इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रमोद सागर। आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। इस समय हम आए हैं जो जिला अमरोहा तहसील हसनपुर की गांव है, ग्राम पंचायत चमर पतई। इसमें तीन गांव लगते हैं और ये यहां पर है कासमपुर जनूबी। कासमपुर जनूबी ये मांजरा है और काफ़ी बड़ी ये ग्राम पंचायत है। और हम यहाँ पर आए हैं कि जो यहाँ पर प्रधान बन गए हैं, अब उनके हम विचार क्या कर योजना है अपने गांव को क्या करेंगे और किस माध्यम से वो अपने गरीबों को परिवार को किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे, इन विचारों को सुनने के लिए और आपको अवगत कराने के लिए इस समय हम आए हैं कासमपुर जनी में। इस समय पहली बार प्रधान बने हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल बताया है ग्रामीणों ने। बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। हम सीधी बात करते हैं, आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम रविंदर जी। कैमरे की तरफ देखेंगे आप। रविंदर जी, मेरा नाम रविंदर। आप कितने वोटों से जीते हैं? 224 वोटों से जीता हूँ जी मैं। मतदाताओं ने आपको भारी मतों से आपको विजयी बनाया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत भारी मतों से बताया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे जितने वोटर हैं, जितने मेरे गांव बस्ती के और मेरे समाज के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मुझे भारी मतों से जीत दिलाई है और मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर तीन गाँव है, यहाँ पर और पतई चमर पतई है। हाँ जी। फिर एक यहाँ पर कासमपुर है, तीसरा कौन सा गाँव है? ताजपुर डूंगर है जी। ताजपुर डूंगर है। तो यहाँ पर कितने दिनों में यहाँ पर प्रधानी आई है? यहाँ पे जी 10 साल, मतलब अब की बार 10वां साल है जब आई, मतलब उससे पहले 5 साल पहले रह चुकी थी, जो उसके बाद फिर पतेई में चली गई थी प्रधानी, उससे बाद में तब यहाँ पे कासमपुर में प्रधानी आई। अब कासमपुर में आई है। हाँ जी। तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने गाँव के समस्या के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को मैं बहुत बहुत अच्छी तरीके से। क्या समस्या है आपके यहाँ पर, किस किसके पूरा करेंगे आप? देखिए, बहुत समस्या आती है प्रधानी की, बहुत समस्या आ जाती है। मैं तो चाहता हूँ मेरा गाँव बहुत अच्छी तरक्की पे पहुँचे, मेरे अच्छे अच्छे लोग आए मेरे यहाँ पे, अच्छे अच्छे जो नेता है वो आए और उनके विकास कार्य कराए। मेरे गाँव में विकास की बहुत कमी चल रही है, जो कि मैं इसलिए खुद मतलब मेरे मतदाताओं ने मुझे मत देकर भारी मतों से विजय बनाया है, उन्होंने पूर्ण विश्वास है ताकि हमारे समाज में आके बाद ये प्रधान बनाए और इससे हमें सहयोग मिले और हमारे ग्राम पंचायत को मतलब विकास मिलना चाहिए। अपने ग्रामीणों मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने भूखे प्यासे रखे आपको यहाँ तक कामयाबी दिलाई है, इस कामयाबी के आप कैसे उनका शुक्रिया करेंगे? देखिए, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और जितना मेरे पास विकास जितना मुझसे हो सकेगा, जितने मेरे मतलब अधिकारियों से हो सकेगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी मेरी मतलब गांव में विकास हो सके, मैं चाहूँगा अपने तह दिल से शुक्रिया अदा करके कि मेरे गांव में विकास बहुत अच्छे पूर्ण होना चाहिए और मैं अच्छे विकास से आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, अभी बात कर रहे थे जो रविंद्र जी जो इस समय प्रधान बने हैं, 10 साल बाद यहाँ पर प्रधानी आई है और देखिए ये सीधा आपको दिखा रहे हैं, इनका कोट वोट चिन्ह था और बड़े सीधा से होगा, इन्होंने अपनी सारी बात रख दी है कि गांव में विकास ये कराएंगे, जो विकास अभी अधूरा है उसको पूरा कराने का बिल्कुल संकल्प है। इसके साथ भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।